नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इसी के चलते सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुड़े हुए हैं। इसी के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरतपुर के कॉलेज ग्राउंड में जनसभा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर पूरा जिला प्रशासन सतर्क है। आपको बता दें कि इससे पहले जेपी नड्डा और अमित शाह भी यहां का दौरा कर चुके हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर द्वारा भरतपुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान है। बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की तो संभाग की 19 सीटों में से एक ही सीट पर ही बीजेपी अपना कमल खिला पाई थी। अब ऐसे में मोदी का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे में 50,000 से अधिक भीड़ आने की संभावना भी लगाई गई है। खास बात यह है कि इस बार पूरी जिम्मेदारी मोदी जी के ही कंधों पर है। अब बात करें साल 2018 के विधानसभा चुनाव की तो बीजेपी का भरतपुर संभाग में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया था, इसलिए इस बार बीजेपी के साथ कांग्रेस की नजर भी भरतपुर संभाग पर टिकी हुई है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह पहले ही भरतपुर के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे चुके हैं। अब जनता को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भरतपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में पीएम के दौरे को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। भरतपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने वादा किया कि बीजेपी सरकार बनते ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा की जाएगी, लोक हित में जल्दी निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 12 रुपए लीटर लोगों की जेब से मार रही है और कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भर रही है, जबकि यूपी, हरियाणा और गुजरात में पेट्रोल के रेट 97 रुपए है। मोदी ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यहाँ खुद को जादूगर कहते हैं। अब राजस्थान की जनता कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के मर्दों के प्रदेश वाले बयान पर मोदी ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्री को टिकट देकर इनाम दिया है। इस पाप में कांग्रेस हाईकमान भी शामिल हो गया है। शायद उस मंत्री के पास भी कोई ऐसी जानकारी है या लाल डायरी है। बीजेपी सरकार में इस जानकारी को भी बाहर लाया जाएगा। आपको बता दें कि भरतपुर की सभा के बाद मोदी नागौर भी जाएंगे। वहां जाट समाज के लोक देवता तेजाजी महाराज के दर्शन करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।